ज्योति वर्मा, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फ्लैट्स ऑन सेल्स में। जैसे कि आज मैं बात कर रही हूँ, आज फिलहाल हम आए हुए हैं पालम के राजनगर पार्ट वन में, जहाँ पर मैं आपको 2BHK और 3BHK फ्लैट दिखाने जा रही हूँ। वो इस खूबसूरत सी, इतनी आप देख सकते हैं, ये जो 4 गेट हैं, ये 4 गेट इस एक ही बिल्डिंग के हैं, तो पार्किंग का स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। जो दो फ्लैट्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, 3BHK और 2BHK, 3BHK आपको 100 गज में बना हुआ मिलता है और जो 2BHK है वो 60 गज में। तो यहाँ पर ये दोनों फ्लैट्स अभी हम ऊपर चल के देखेंगे, उससे पहले मैं बता देती हूँ आसपास के एरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपका मेन मेहरौली रोड मिल जाता है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इस प्रॉपर्टी की, तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। इसके साथ ही लोन इस पर 80% अवेलेबल है, आप यहां पर 80% जो है लोन ले सकते हैं, वो भी हम ही करवा के देंगे आपको। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही फ्लैट्स देखेंगे फुल डेकोरेटेड इंटीरियर के साथ, फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा फ्लैट, जैसा मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। इसके साथ ही बात करेंगे अंदर चल के, चलिए। तो यहाँ फ्लैट की ओर जाने से पहले मैं दिखाना चाहूँगी, फ्लैट के एंट्रेंस से पहले नीचे आपको पार्किंग एरिया इस बिल्डिंग का, स्टेयर्स आपको मिल जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री के लिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पर लिफ्ट भी मिल जाती है, आप देख सकते हैं फुल फीचर्स के साथ आपको यहाँ पर जो लिफ्ट है वो यहाँ पर मिल जाती है। इसके साथ ही मैं बात करूं पार्किंग की, जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है यहां, दूर दूर तक आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट पार्किंग है इस एरिया से लेकिन यहां पर आप 4-व्हीलर भी यूज़ कर सकते हैं इस पार्किंग के लिए। इसके साथ ही अगर मूव करके वहां पर जाके देखेंगे तो कंप्लीट पार्किंग है, 2-व्हीलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस पार्किंग को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी व्हीलर है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाती है। अब चलिए चलते हैं ऊपर फ्लैट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं लिफ्ट के थ्रू ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिफ्ट भी मिलती है और साथ में स्टेयर्स भी, आप जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल मैं खड़ी हूँ इसी 3BHK फ्लैट की एंट्रेंस पे, तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये फ्लैट कैसा है। तो कीजिए सबसे पहले एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने होता है हमारा यहाँ पे लिविंग एरिया, जिसको आप ड्राइंग रूम भी कहते हैं। सबसे पहले आप इस एंट्री गेट पे नज़र डालिए, मतलब इसकी विड्थ काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। यहाँ पर आपको उसको लेके बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एंट्रेंस जो कई फ्लैट्स जो होते हैं उनमें छोटी सी दी गई होती है, बट यहाँ पर आप विड्थ देखेंगे काफ़ी अच्छी है। और जो मेन एंट्रेंस पे जो आपका दरवाज़ा जो बनाया गया है, ये जो सरमाइका जो प्लाईवुड है उससे बनाया गया है, और पूरे ही फ्लैट में इसी तरह की जो है आपको डेकोरेशन जो हमने दी गई है, जो एक थीम लेकर हम चले हैं, पूरे फ्लैट में आपको यही चीज़ मिलेगी सेम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना जैसे बनाना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं खड़ी हूँ यहाँ पे लिविंग एरिया में। सबसे पहले यहाँ पे छत की तरफ देखेंगे तो यहाँ पूरी फॉल सीलिंग मिल जाती है, ज़रा ऊपर नज़र डालिए। और ये फॉल सीलिंग कोई ऐसी वैसी नहीं, आप देखेंगे जो ये लाइट्स हैं, ये फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, बेहद खूबसूरत, जो आपके इस लिविंग एरिया को, जो मतलब एंट्रेंस है, मतलब घर में जैसे प्रवेश करता है कोई, एंट्री के साथ ही समझ जाता है कि किस लेवल पे हैं आप। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक खूबसूरत झूमर मिलता है और दो यहाँ पे फैन का जो है आपको मिल जाता है, फैंस मिल जाते हैं लिविंग एरिया में। इसके साथ ही सामने ये जो वॉल दिख रही है आपको, इस पे 3D वॉलपेपर मिल जाते हैं आपको, जो कि काफ़ी यूनिक और अच्छा सा लुक देते हैं। और आप कलर थीम अगर देखेंगे तो जैसे कि सरमाइका प्लाईवुड के साथ ब्राउन कलर है, तो बिल्कुल एज इट इज़ ही आप देखेंगे इस वॉलपेपर पर भी ब्राउन कलर का जो 3D वॉलपेपर है वो लिया गया है। इसके साथ ही एक और चीज़ स्पेशल कि यहाँ पर आपको इस साइड पर आपकी जो AC की फिटिंग्स हैं वो आप यहाँ करवा सकते हैं, सारी जो इंटरनल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आपको फिटेड मिल जाती है। जस्ट आपको आना है और यहाँ अपने AC फिट करना है और यहाँ पे आप मतलब रेडी टू मूव आपको ये फ्लैट्स बिल्कुल मिल जाते हैं, सीधे आप यहाँ पर जैसे ही आप ले लेंगे फ्लैट यहाँ पर आके आप रह सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा आपको मिल जाता है, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था काफ़ी अच्छे खासे स्पेस में ये 3BHK बना हुआ है। अब मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे ड्राइंग एरिया में खड़ी हूँ, जस्ट मेरे राइट हैंड साइड पे आपका मॉड्यूलर किचन है, ठीक है, और इस साइड पे आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट बेडरूम है। और एक स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक रूम में आपको फर्स्ट रूम के साथ ही सेकेंड रूम है जस्ट, ठीक है,
और सेकंड रूम के जस्ट यहाँ पर एक गैलरी मिल जाती है, तो यहाँ आपका वॉशरूम आ जाता है, कॉमन वॉशरूम जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉमन वॉशरूम के जस्ट साइड में आ जाता है आपका एक और बेडरूम, यानी कि तीसरा बेडरूम। यहाँ पर बात जब आती है कि मास्टर बेडरूम किसको बोला जाता है, मास्टर बेडरूम किसको बनाया जाए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हैं कि जो लिविंग एरिया से जस्ट सामने पड़ता हो, मुझे उसको मास्टर रूम बनाना है, तो आप बना सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पर हर एक रूम के अंदर आपको टीवी पैनल मिल जाता है, जो कि बेहद ज़रूरी चीज़ होती है हर एक मास्टर बेडरूम के लिए। अब आप एंट्री कीजिए सबसे पहले रूम में हमारे, तो देखिए पहले रूम में एंट्री लेते हैं, बिल्कुल फील चेंज हो जाता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सा फील आता है इस 3D वॉलपेपर को देख के, क्योंकि लिविंग एरिया में जो चीज़ थी वो थोड़ा एक अलग मूव दे रही थी, अलग फील दे रही थी हमें, और यहाँ पे आपके फर्स्ट बेडरूम में ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ पर इस 3D वॉलपेपर के साथ आप मैच कर सकते हैं अपने इंटीरियर को। इसके साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है, यानी कि सफोकेशन वगैरह की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे नज़र डालें तो यहाँ हमारा आ जाता है काफ़ी स्पेशियस TV पैनल। इसके साथ ही यहाँ आपको कुछ कैबिनेट्स भी दिए गए हैं आपकी यूटिलिटी के लिए, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 3 आपको जो कैबिनेट है वो मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही इसी रूम में आपको जस्ट गेट के पीछे देखेंगे तो यहाँ पे छोटी सी अलमीरा भी मिल जाती है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है, तो ये अलमीरा हो गई। यहाँ ऊपर के साइड पे आपको सब कुछ स्पेस जो है बना के दिया गया है, यहाँ पे शूज़ वगैरह आप रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ नीचे। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, चलिए अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। जस्ट आपके इस फर्स्ट बेडरूम के साथ में ही मिलता है हमें एक कॉमन वॉशरूम, जिसको आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, हर किसी के लिए है। वैसे आपको वॉशरूम यहाँ अटैच्ड भी मिल जाता है, बट अभी हम फिलहाल कॉमन वॉशरूम में यहाँ आप देख सकते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे ज़मीन पर, तो ये रफ़ टाइल्स हैं जिन पे मतलब फिसलने वगैरह का कोई डर नहीं रहता। पानी वगैरह में ज़्यादातर होता है वॉशरूम्स में, काफ़ी स्लिपरी टाइल्स होती हैं, जो वो उसका खास ध्यान रखा गया है यहाँ पर, तो स्लिपरी बिल्कुल नहीं है, रफ़ टाइल्स है जो कि स्पेशल वॉशरूम के लिए बनाई गई होती है। चलिए अब चलते हैं, जस्ट वॉशरूम के साथ में हमारा फर्स्ट था, देन सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से बेडरूम को अपना मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक रूम में वो फैसिलिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पे, जिसको आप मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। आइए सेकंड बेडरूम में चलते हैं, और हर एक की थीम यहाँ पर अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। हर एक में आते ही आपको बिल्कुल अलग चेंज, अलग मूड दिखता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कितना बड़ा कैबिनेट दिया गया है, कितनी बड़ी अलमीरा दी गई है, मतलब 3 डोर के साथ। ये देखिए स्पेशियस है काफ़ी, आप यहाँ पे सेक्शंस देख सकते हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है इसको। ये देखिए फुल ऑफ स्पेशियस, यानी कि आपके बच्चों का सामान जो है अच्छे से यहाँ फिट होने वाला है। बच्चों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप यूज करना चाहते हैं इस रूम को, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी लंबी विंडो दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी घर में ज़रूर आनी चाहिए इसके लिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको टीवी पैनल मिल जाता है, ये देखिए टीवी पैनल इस रूम में भी मिल जाता है, तो एज यू विश, आप जिस जैसे चाहें वैसे इन रूम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इस रूम को ही मास्टर रूम बनाना है। इसके साथ ही एक और एडवांटेज है इस रूम के साथ कि आपको बालकनी भी इसी रूम के साथ मिलती है। आइए देखते हैं बालकनी की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ जैसे कि बालकनी में आ चुके हैं हम, काफ़ी शांत सा माहौल और ठंडी सी हवा चल रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन जो है प्लेस करके, यहाँ पे एक टैब भी मिल जाता है, देखो आपको वाटर का यहाँ पे एक टैब भी मिल जाता है, इससे आप यहाँ वॉशिंग मशीन जो है प्लेस करके कपड़े वगैरह धोने के लिए इस एरिया को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी शाम की चाय तो यहाँ मज़ेदार होने ही वाली है। चलिए चलते हैं जस्ट नेक्स्ट रूम की तरफ। हमने देख 2 रूम देख लिए, कॉमन वॉशरूम देख लिया, नाउ बारी आती है तीसरे मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, कई बार बोल चुकी हूँ, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें मिलती हैं, ऐसा बहुत ही रेयरली मिलेगा आपको किसी फ्लैट में। 3 BHK जो मैं बता रही हूँ कि तीनों रूम आप में, तीनों ही रूम्स में सारी फैसिलिटीज़ मिले। इसके साथ ही मॉड्यूलर किचन है, इसकी तरफ डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं रूम की तरफ। आइए, जैसे कि मैं बात कर रही थी, हर एक रूम में आते ही बिल्कुल न्यू फील आता है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे टेक्सचर अलग हो जाता है बिल्कुल वॉलपेपर की वजह से। यहाँ पर भी 3D वॉलपेपर मिलता है बिल्कुल ही अलग और न्यू थीम के साथ,
और अगर साथ के साथ हम छत की तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर भी फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत लाइटों के साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि पूरे ही फ्लैट में आपको दी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखते हैं खूबसूरत और काफ़ी बड़ा और स्पेशियस आपको टीवी पैनल दिया गया है। बिल्कुल मैचिंग है थीम, मतलब पूरा फ्लैट एकदम थीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके दिया गया है और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के लिए बनाई गई है, जब भी आप बुक करेंगे, जब भी आप इस फ्लैट को लेने आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस फ्लैट में इंक्लूडेड उसी प्राइस के अंदर मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक सबसे स्पेशल चीज़ आ जाती है, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ड्रेसिंग टेबल के लिए फुल मिरर के साथ ये एक अलमीरा मिल जाती है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। अब इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एक कॉमन वॉशरूम था, इस रूम के साथ हमें मिल जाता है अटैच वॉशरूम। तो चलिए वॉशरूम के अंदर देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वॉशरूम में। जैसे हम पहले देख चुके हैं, सेम वही चीज़ें सारी फिटेड मिलती हैं आपको यहाँ पर। दिल्ली जलबोर और समरसिवल दोनों के टैब आपको यहीं पे मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहां पर आपको जो आपकी मोटर है, मोटर आप यहां से ऑन करेंगे और यहीं से ऑफ करेंगे। इसके लिए आपको अलार्म भी मिल जाता है ऊपर कि जब भी आपकी टंकी भरती है, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अलार्म अपना काम करेगा, आपको बताएगा कि आपकी टंकी भर चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो एक स्विच दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, तो यहाँ पर आप अपना जो आरओ है वो फिटेड करवा सकते हैं। इसके साथ ही सारे कैबिनेट में ऊपर की साइड पे आप जो प्लाईवुड का काम देख रहे हैं, काफ़ी क्वालिटी वाली चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सारी चीज़ों का ध्यान में रख कर आपके लिए स्पेशल ये जो फ्लैट है डिज़ाइन किया गया है। मॉड्यूलर किचन की बात कर रहे हैं तो उससे भी बड़ी बात आती है स्पेस की, किचन में कितना स्पेस है। बाहर से तो स्पेस देखिए, अब अंदर भी देखिए कि इतने अच्छे अच्छे कैबिनेट बनाए हुए हैं, स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आप थोड़े अपने जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको फिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये देखिए। यहाँ पर और भी ज़्यादा जो बड़ी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, आपकी क्रॉकरी वगैरह के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब, ये देखिए इतने ईजी टू यूज़ है ये। और स्पेस जो है वो काफ़ी भर भर के आपको दिया गया है, और सफोकेशन ना हो किचन में, इसके लिए आपको जो एक मॉड्यूलर जो चिमनी है वो दी गई है यहाँ पर। यहाँ पर आप इजीली अपना खाना बना सकते हैं और सफोकेशन वगैरह कुछ नहीं होगी, खाने वगैरह की स्मेल जो होती है वो सब इसके थ्रू बाहर, कोई वो टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा साथ में ही और कैबिनेट्स आपको चारों तरफ मिल जाते हैं, स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं है यहाँ पर इस किचन में। इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी किचन आपको यहाँ पर बना के दी गई है।
तो यहाँ पे फुल साइज का सिंक मिल जाता है, इसी के नीचे ये कैबिनेट भी दिया गया है। यहाँ से आप क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं, और इसको कवर करने के लिए ही यहाँ पे ये दो कवर्ड आपको दिए गए हैं। इसके साथ ही आप बात करेंगे अगर टाइल्स की, जो किचन में जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है ये किचन के लुक को और ज़्यादा उभार के सामने लेकर आता है, क्योंकि 3D जो टाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो काफ़ी शाइनिंग और खूबसूरत जो टाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है कंप्लीट पूरे के पूरे फ्लैट के अंदर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ जानकारी लेनी है, कुछ भी पूछना है फ्लैट से रिलेटेड, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप कॉल करके इस फ्लैट के बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।